मॉर्निंग जय हिंद मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज है नाइन्थ ऑफ मार्च यस एवरीथिंग इज फाइन राइट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वॉइस प्रॉब्लम अब अभी भी है आवाज आ रही है जी इसका इसका कॉन्करेंट व्यूअर दिखा देना इसका हेलो नो वॉइस नो वॉइस हाय हेलो ट ऑफ टेस्ट आप जानते हैं कि हम लोग बहुत सारा यार ये आपके तो okay. so, आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारा टेस्ट बनाते हैं तो so, पहले एक टेस्ट बनाएंगे एक सेट ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो हमने कल पढ़े हैं उसके बाद सेकेंड टेस्ट है उसको बनाने के पहले पढ़ेंगे और उसमें है टोटल आपके फिफ्टीन क्वेश्चन राइट सो so, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारा जानकारी हम लोग अभी करने वाले हैं आपके चैनल पे और कल आपने अगर मेरा शो नहीं देखा था तो जरूर देखिए जहां पर मेन का थॉट था ऑन विमेन ऑन डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन और एक छोटा सा रैपिड फायर किया है हमने मैकेनिकल इंजीनियर किंग के साथ है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किंग के साथ जो कि है इंजीनियर अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पे राइट सो प्लीज डू वॉच इट फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कल इस पे बात हुई थी कि फिफ्टी थर्ड रेजिंग दिवस यानी कि सी आई एस एफ सेंट्रल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कब ऑब्जर्व होता है ओके ओके द सेशन वॉज ग्रेट हां बिल्कुल थॉट यही था कि आप लोग जानते हैं कि वेमेन की बात तो सारे लोग सुनते हैं आठ मार्च को तो हम लोग क्यों ना मेन की बात सुने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए अपने विचारों को बताने के लिए यस तो आप सबने देखा होगा और अच्छा भी लगा होगा मैं को थोड़ा सुकून मिला होगा कि कोई तो सुन रहा है है ना कोई तो सुन रहा है उनको गलत नहीं समझ रहा है बिल्कुल चलिए तो ये ये ऑफ मार्च पढ़ा है सी आई एस एफ डे सेवेंटी फिफ्थ आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो फिफ्टी थर्ड सी आई एस एफ रेजिंग दिवस है ये छे मार्च को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ और ये जो है ये जो है बार बार बोल रहे हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ईवी चार्जिंग व्हीकल्स फोर फोर व्हीलर हैज़ बीन ओपनड इन तो भारत में चौपहिया वाहन के लिए भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है बेंगलुरु लखनऊ मुंबई या गुरुग्राम कहाँ पे खोला गया है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन आई एम गेटिंग द आंसर गुरुग्राम आप लोग सिक्स मार्च वाला तो सबका सही है वेरी गुड एंड नेक्स्ट आंसर इज गुरुग्राम यस तो भारत का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है चार पहिया के लिए ये 86 जो लोग गुरुग्राम में रहते हैं तो सेक्टर 86 हरियाणा में खोला गया है और ये ईवी चार्जिंग स्टेशन थ कैपेसिटी ऑफ एक सौ इक्कीस चार्जिंग पॉइंट फॉर फोर व्हीलर कैन चार्ज वन थाउजेंड कार इन अ सिंगल डे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द नेम ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक कार कोलिजन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन सिस्टम तो अगर दो गाड़ी दो रेल है ना टकराती है तो ऑटोमेटिकली ठीक है स्वचलित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली बनाई गई है इसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है और आप लोग आंसर दे रहे हैं कवच तो इसका आंसर एक्चुअली कवच ही है कवच एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको बनाया गया है कि जब दो ट्रेन आ जाएगी और सिग्नल आ जाएगा डेंजर का रेड तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए ये सेफ्टी बनाएगा इसके बारे में आज डिटेल में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आप देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं क्या ये विद्या बालन है अर्शद वारसी है वरुण धवन है या शाहिद कपूर है कौन बन गई है या बन गए हैं तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दे दीजिए और आंसर आ रहा है लवली कुमारी रुद्र प्रशांत रहस्य मधुमिता और शाहब है ना अंजू शोभित रांची ओके okay. वेरी गुड लक्ष्मीधर जी दिनेश वेरी गुड तो ये विद्या बालन है हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस ब्यूटी क्वीन है ना विद्या बालन जी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने इनको अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं डू द स्मार्ट थिंग कैंपेन के अंदर ये आएंगी एंड शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा नेक्स्ट क्वेश्चन कल पढ़ाई हुआ था इस पर तो सही सही आंसर देना प्लीज़ तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडीजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर तो ये जो फ्लाइंग ट्रेनर है भारत का पहला इंडीजीनियस यानी कि ये भारत में ही बना है इसका नाम बताएं आप जल्दी से क्या ये एच जी टी थर्टी सिक्स सितारा है ए आर डी सी टर्बो है हंसा एन जी है एच ए एल एच टी टी फोर्टी है क्या होगा इसका आंसर वॉट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी गुड तो सबको सब कुछ याद है एक्सेलेंट ये हंसा एन जी है कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि हंसा एन जी इज द भारत का पहला इंडीजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एन जी कंप्लीट सी लेवल ट्रायल और ये कहाँ पे हुआ है पुडुचेरी में इसको ट्राई किया गया है ये बैंगलोर से पुडुचेरी जो कि 140 नॉटिकल माइल है आप जानते हैं ना कि बैंगलोर जो है इधर है और ये पुडुचेरी इधर है तो यहाँ से यहाँ तक ये यह ट्रैवल किया है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली ये क्वेश्चन बताइए सोच के बताइए कल हम लोगों ने एक मेट्रो के बारे में पढ़ा था तो रिसेंटली इनोग्रेटेड कौन सा मेट्रो भारत का पहला ऐसा मेट्रो बन गया है जिसका पूरा बॉडी एल्यूमिनियम का है पूरा बॉडी जो है कोच का वो एलुमिनियम का है और इसको मोदी जी ने इनोग्रेट किया है कल तो देखिए ये है पुणे का मेट्रो कल हमने ये वाला पढ़ा है करंट अफेयर्स तो इसमें क्या है कि पुणे का मेट्रो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इनोग्रेट किया है पुणे मेट्रो 6 मार्च 2022 को और इन्होंने बात किया डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग जो बच्चे हैं या इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं मेट्रो के कोच में 10 मिनट के लिए जो आँख से जिनको प्रॉब्लम है विजुअली इम्पेयर्ड है और 11,420 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है लेंथ जो है 33.2 किलोमीटर है इसका और ये 30 स्टेशन 30 स्टेशन हैं इसमें पुणे मेट्रो में नेक्स्ट ये देखिए नितिन चुग के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ाई की है की है ना तो अब आप बताएंगे अच्छा नितिन चुग के बारे में जो हमने पढ़ाई की है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ये बन गए हैं किस, है? है, है, है है? किस बैंक के आईसीआईसीआई बैंक के आईडीबीआई बैंक के एसबीआई बैंक के या यस बैंक के किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए नितिन चुग ओके सो आई एम गेटिंग द आंसर एसबीआई सारे बच्चे जो हैं वो एसबीआई कह रहे हैं ओके 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 सबको याद है एक दो लोग कंफ्यूज हैं बाकी सबको याद है कि हम लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ा था कि ये है नितिन चुग और एसबीआई ने इनको क्या बना दिया है एसबीआई ने नितिन चुग को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है ठीक तो है तो बेसिकली ये डीएमडी हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और ये पहले सीईओ रह चुके हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ही ज्वाइन देयर फ्रॉम एचडीएफसी उसके पहले ये एचडीएफसी में ग्रुप हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बैंकिंग भी रह चुके हैं तो देखिए कहाँ से इंसान स्टार्ट करता है राइट इट कैन ऑल्सो बी कि कोई बिल्कुल एकदम फ्रेशर से स्टार्ट करे और जाके किसी बैंक का सीईओ बने अब ये एसबीआई के डीएमडी बन गए हैं तो अब ये नेक्स्ट तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही बनेंगे फिर ये सी बन जाएंगे रविंद्र चंद्र अश्विन आर अश्विन जो है ये सेकेंड बॉलर है मतलब सेकेंड हाइएस्ट टेकर विकेट टेकर हाइएस्ट टेकर नहीं विकेट टेकर अंडर टेकर भी याद है ना आपको चलिए तो ये हाइएस्ट विकेट टेकर है इन टेस्ट किस बॉलर के बाद यानी कि जो फर्स्ट हाइएस्ट विकेट टेकर है वो कौन है फर्स्ट हाइएस्ट विकेट टेकर कौन है आप लोग कह रहे हैं कपिल देव मुझे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कपिल देव और एक स्टूडेंट कह रहा है अनिल ओके okay. तो ज्यादातर लोग जो हैं वो कपिल देव कह रहे हैं कि भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं टेस्ट टेस्ट मैच भी याद रखना टेस्ट मैच में वो कौन है कपिल देव और जो सेकंड है वो रविंद्र चंद्र अश्विन है क्या होगा आंसर लेट्स सी देखिए ये अनिल कुंबले है ये टेस्ट में अनिल कुम्बले हैं आप लोग कपिल देव क्यों बोल रहे हैं हाँ गुड कुछ बच्चे सही बता रहे हैं अनिल कुंभले देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कपिल देव थर्ड में हैं आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे आफ्टर आर अश्विन नहीं पूछा जा रहा है आफ्टर किसके आर अश्विन है यानी आर अश्विन जो है वो किसके बाद है तो अनिल कुंबले सबसे पहले हैं रविंद्र चंद्र अश्विन है फिर कपिल देव है फिर हरभजन सिंह है शांत शर्मा है जहीर खान है बी एस बेदी है बी एस चंद्रशेखर है जडेजा श्री, श्रीनाथ और मोहम्मद शामी ठीक है ठीके? हाँ ओके okay. नेक्स्ट हाँ कपिल देव का रिकॉर्ड थोड़ा है डेट इज राइट लेकिन आप क्वेश्चन समझे देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो है दूसरे हैं तो सबसे ज्यादा कौन लिया है ये क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज मत करिए हैज बिकम दाइस्ट इन टेस्टर आफ्टर कौन यानी कि फर्स्ट कौन है ये सवाल था इसी तरह सवाल में कंफ्यूज कर जाते हैं आप लोग चले अगला सवाल हाँ एक जो स्टूडेंट बोला था सबसे पहले वो निहार है जिसने सबसे पहले बोला मैं मैं अनिल कुंबले फिर नेक्स्ट आप देखें कि पहली ऐसी भारतीय महिला क्रिकेटर जो कि छ छे, -छे वर्ल्ड कप में अभी इन्होंने भागीदारी ली है ठीक है तो ये पहली महिला है और तीसरी ओवरऑल है तो ये है मिताली राज मिताली राज है ना मिताली राज जो हैं ये ऐसी प्लेयर हैं जो कि 2000 से लेकर अभी 2022 तक यानी 2000 2005 9 13 17 और अब 2022 में ये ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं वर्ल्ड कप में जिन्होंने छ वर्ल्ड कप में भागीदारी ली है और सब सचिन तेंदुलकर जावेद मिंदाद के बाद ये जो हैं थर्ड है थर्ड हैं कल हम लोगों ने एक किताब के बारे में पढ़ा था द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल जर्नल ये किताब किसने लिखा है हाँ ये किताब किसने लिखा है ये बताइए कि क्या ये अरविंद अडिगा हैं या अमिताभ कुमार हैं अनीता प्रताप हैं या शुभल कुमार हैं हैज़ रिटन दिस बुक द ब्लू बुक ओके आईव गॉट द आंसर आंसर इज अमिताभ कुमार कल हम लोगों ने इस बुक के बारे में पढ़ा है द ब्लू बुक द ब्लू बुक इज अ बुक रिटन बाय अमिताभ कुमार इसमें एक राइटर का जर्नल है तो लॉकडाउन के टाइम जो इन्होंने ये डायरी लिखा था उसका उन्होंने कंपाइलेशन किया है एंड देन नाउ इट इज रिलीज एज अ बुक नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप इसका ऑथर कौन है हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप वेरी गुड गाइज यू कैन ऑल्सो लाइक द सेशन इफ यू वॉन्ट टू है ना ऐसे तो आई कांट कंपेल यू टू डू दैट बट यू कैन लाइक द सेशन इज एन ऑप्शन नेक्स्ट तो ये देखिए ये है सृष्टि झा सृष्टि झा ने ये बुक लिखा है बिल्कुल तो ये आपको दिख रही है सृष्टि झा एंड शी इज द डॉटर ऑफ अ वेरी नहीं सॉरी इट विल बी विकास कुमार झा देर वॉज एन ऑप्शन तो सृष्टि झा एंड विकास कुमार झा डॉटर सृष्टि झा एंड विकास कुमार झा दोनों ने लिखा है एक्चुअली लिखा है विकास कुमार झा ने लेकिन जो ट्रांसलेट किया गया है ये सृष्टि झा है तो अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो आप ये डाल दीजिएगा विकास कुमार झा रहेगा तो ये डालिएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन सृष्टि झा ने किया है क्लियर है उनकी डॉटर है उल्लास की नाउ वॉज ओरिजिनल बुक दैट वॉज रिटर्न बाय विकास कुमार झा है ना? हाँ। देखिए उल्लास की नाव एक किताब लिखा गया था उषा पे, जो कि विकास कुमार झा ने लिखा है और ट्रांसलेट जो है इस बुक को वो किया है उनकी डॉटर सृष्टि झा ने तो यहाँ पे बुक कौन सा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप तो वो सृष्टि झा और उल्लास की नाव तो वो विकास कुमार झा क्लियर देखिए छोटे से क्वेश्चन में भी आप लोग ऐसे कन्फ्यूज मत करिएगा सागर परिक्रमा प्रो प्रोग्राम ये कल विमेंस डे के अवसर पर लॉन्च हुआ तो आप बताएं कि सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र आमिली हाँ, भगातर ठीक है यार एक बार सेशन को लाइक कर दो यार क्या कर दो हाँ वेरी गुड एवरी वन इज गिविंग द राइट आंसर ओके सो द आंसर इज सागर परिक्रमा इज इन कहाँ पे हुआ है सागर परिक्रमा ये लॉन्च हुआ है ये गुजरात में हुआ है, है ना तो सागर परिक्रमा ये फ्रॉम पाँच मार्च ये चलेगा ये मेरीन पूरा अपना परिक्रमा होगा और ये गुजरात से लॉन्च हुआ है टोटल नौ स्टेट में ये क्रॉस करेगा चार यूनियन टेरिटरी के कोस्ट लाइन को ये टच करेगा नेक्स्ट ओशियन कॉन्फ्रेंस ये हमने पढ़ा था फ्राइडे को तो आपको मुझे याद रहता है तो आपको भी याद होना चाहिए कि, कि किस दिन पढ़ा था क्या था आंसर तो अब आप आंसर बताइए कि ओशियन 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन ऑर्गेनाइज बाय एन जॉइंटली विथ विच इंस्टीट्यूट आई कानपुर मद्रास बॉम्बे या खड़गपुर आंसर इज आई मद्रास। तो ये हम लोगों ने कुछ बनाया था ये है ना ये तो उस टाइप का लग रहा है वो जैसे मॉल वगैरह में टाइम जोन में नहीं जाते हैं तो ऐसे कुछ गेम रहता है ना वहां पे। चले तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास एनआईओटी कंडक्ट्स ओशन फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये बनाया गया है और ये मराइन जो रिसर्चर्स हैं टेक्नोलॉजिस्ट हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं सबने मिलकर इसको बनाया है एन का फुल फॉर्म याद रखेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक कल हम लोग ने एक ऑबिचोरी भी पढ़ा है एक ऑबिच्ड़ी जिसमें एक नेता का निधन हुआ है तो अब आप बताएं कि फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल सॉरी नेता भी हुआ है वो उसका बाद में पढ़ेंगे पहले आप बताएं कि आर्मी चीफ जनरल इनका निधन हुआ है हाँ एस एफ रोड्रिक्स इनका नाम है ये एक राज्यपाल भी थे मतलब ये बाद में फिर गवर्नर भी बने इसलिए मैंने बोला नेता कहाँ के राज्यपाल बने थे तो ये पंजाब के राजपाल बने थे ये हैं एस एफ रॉड्रिक्स और ये अपने पूरा इनका करियर काफ़ी ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स रहा है तो इनका कल इनका निधन हो गया और ये पहले रह चुके हैं इंडियन आर्मी चीफ और फिर ये 2010 तक चार से दस तक ये पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं क्लियर एवरी वन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज यूरोपियर इज यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विच अमंग द फॉलोइंग तो दुनिया में जो यूरोप है उसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है दिस इज द क्वेश्चन ऑल द प्लेसेज आर ऑफ ओब्वियसली रशिया तो अब आप बताएं कि रशिया में जो सबसे बड़ा है वो कहां पे? ओके आंसर हमको मिल रहा है हेलो एवरी वन दो तीन आंसर मिल रहा है एक्चुअली ए और सी आ रहा है बार बार बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ए कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सी भी कह रहे हैं सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द आंसर इज ए ठीक है so, A, तो ये जैपोर इजिया है जो भी तो यहां पे देखें आप ये पहले मैप देख लीजिए ये कहां पर ये आपके एक्चुअली यूक्रेन में ठीक है और ये यूक्रेन में आपको ये जगह दिख रहा है जो कि पहले पार्ट यूएसएसआर का था और यूक्रेन में ये जगह है और ये आपका यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूरोप में ये वन फोर्थ ऑफ यूक्रेन पावर जनरेशन इसमें टोटल वन फोर्थ आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट मोस्ट न्यूक्लियर वेपन इन वर्ल्ड किस कंट्री के पास दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है? तुम अलीगढ़ वा वाला ताला लगा देना हाँ सही बात हाँ स्क्रीनशॉट ले लो मैं आपका सही बात अब आप बताएं कि सबसे ज्यादा दुनिया में न्यूक्लियर वेपन किस कंट्री में है क्या लग रहा है आप लोगों को कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा दुनिया में हाँ तो ये रशिया रशिया में करीबन 6,257 6,257 वॉरहेड है इन टोटल जिसमें एक्टिव है 1,458 वॉरहेड्स और अवेलेबल है 3,039 और रिटायर हो चुके हैं 1,760 और यूएसए के पास कितना है 5,550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपको एक कहानी पता है ना छोटा सा कि जब कोल्ड वॉर था तो क्यूबा जो कि यूएसए के बहुत पास है वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनी थी और यूएसए जो है वो क्यूबा पे पूरा अपना हक जमाना चाह रहा था उस समय यूएसएसआर ने अपना एक न्यूक्लियर वेपन वहां पे भी तैनात किया था और जब यूएसए ने सैटेलाइट के थ्रू देखा तो वो चौंक गया ये देख के कि क्यूबा जो कि यूएसए के इतने पास है और एकदम यूएसए के डायरेक्शन में एक वेपन तैनात है क्यूबा में यूएसए के खिलाफ और ये करने वाला यूएसएसआर था बहुत बार ऐसा हुआ है कि न्यूक्लियर अटैक को रोका गया है काफी इंटरेस्टिंग इसमें मतलब स्टोरीज भी है एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक भालू के कारण रोका गया है सो so, हम लोग इसके बारे में अलग सेशंस में चर्चा करेंगे इफ यू डिमांड टू अगर आपका डिमांड होगा तो देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन होलोंगी अब देखिए पहले तो आप ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को समझ जाइए अच्छे से क्योंकि काफी बार ऐसा होगा कि आपको ग्रीन फील्ड और वाइट फील्ड के बारे में पढ़ने को मिलेगा मान लीजिए आप एक नया घर बना रहे हैं ठीक है एक नया प्लॉट लिए आप जिस पे पहले कुछ नहीं था प्राइमरी सक्सेशन आप ही का है आप उस पर पूरा घर बना दिए तो वो आपका ग्रीन फील्ड है है ना क्योंकि पूरा घास हरा भरा होगा और फिर आप उस पर घर बनाएं अब अगर वो घर आप हटाते हैं तोड़ते हैं और फिर दूसरा घर बनाते हैं तो जब तोड़ेंगे तो वो घास क्या होगा वो ब्राउनिश हो जाएगा वो पुराना मलवा पुराना मिट्टी के कारण तो वो ब्राउन फील्ड होगा यानी कि अगर किसी चीज़ को रेनोवेट किया जा रहा है है ना रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है और अगर कोई चीज़ नया बनाया जाएगा तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा क्लियर द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश येस एवरी आई कैन सी अंकित बिल्कुल तो द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अब ईटानगर आप सीधे प्लेन से भी जा सकते हैं होलोंगी 15 किलोमीटर दूर है ईटानगर से और इसमें 645 करोड़ रुपए लगेगा जिसमें बिल्डिंग बनाई जाएगी टर्मिनल बनाया जाएगा और यहाँ पे अब अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप का एक होलोंगी दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत सुंदर सा एयरपोर्ट बनाएगा पहले ये नहीं था शुरू से बनाया जाएगा इसीलिए ग्रीन फील्ड है मान लीजिए कि ये कोई छोटे शहर का मान लीजिए पटना का होता और ये टूट गया होता इसको तोड़ के फिर से बनाया जाता तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है क्लियर है चलें नेक्स्ट नाइनटीन एडिशन ऑफ इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप ये मीटिंग हेल्ड हुआ है ठीक है इसका उन्नीसवा संस्करण हुआ है क्या यह धनबाद में है क्या यह कानपुर में है गाजियाबाद में है या फिर आगरा में है वेयर इज दिस संस्करण जो भी ये एडिशन है ये नाइनटीन एडिशन कहा हुआ है यस वेरी गुड सो द आंसर इज आगरा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो आगरा इज द आंसर और यहाँ पे एम सी जी यानी कि मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप यहाँ हुआ है आगरा उत्तर प्रदेश में ये हुआ है राइट right? बिल्कुल और एयर मार्शल बी आर कृष्णन यहाँ पे थे जिनके काउंटर पार्ट स्टेफन डी सेलेंका एक तो ये अंग्रेजी जापानी कोरियन नाम पढ़ने में हमको बहुत डर लगता है लेकिन सबसे बड़ा डर जो है वो है रशियन नाम पढ़ने में राइट हॉस्कर विनिंग एलैन लैड डी एलैन लैड जूनियर का निधन हो गया है तो ये जो एलैन लैड जूनियर थे ये क्या थे क्या ये फिल्म में एक्टिंग करते थे या स्टंट मैन थे या फिर डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड में काफी बार नॉमिनेशन भी मिला है ये भी बड़ी बात है नॉमिनेशन मिलना और इनका निधन हो गया तो ये क्या थे बिल्कुल हाँ तो ये हैं प्रोड्यूसर आप लोग भूल रहे हैं ये कल हम लोग बात किए थे इनके बारे में ये प्रोड्यूसर हैं ये पिक्चर भी दिखाया गया था आपको एक दो कितना भी पढ़ाओ कितना भी बार बार पढ़ाओ एक दो क्वेश्चन आप लोग को भूलना ही भूलना है सबसे पहले जो रजत आंसर पटाख से दिया है ना डायरेक्टर और कुछ लोग पूछ रहे हैं मैं ऐसे ही कि डायरेक्टर है कि एक्टर है कल ये नहीं पढ़े थे आप लोग कि इनका निधन हुआ है और ये प्रोड्यूसर हैं और इनको लेडी और बेस्ट अवार्ड एकेडमी अवार्ड एक भी मिला है बेस्ट पिक्चर के लिए मिला है ब्रेव हार्ट के लिए मिला है वी हैव लर्न दीज थिंग्स याडे वट आर यू डूइंग चलें कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी तो कैमल नाम सुनते ही आपको पता चल गया कि कहाँ के बारे में है तो ये ऊँटों के बारे में है और आप लोग सेशन लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर दीजिए अब देखिए यहाँ पे ऊँट का संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है किस स्टेट में राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश और हरियाणा तो आप बताएं कहाँ पे हुआ है तो ये आप देख सकते हैं ये हुआ है राजस्थान में राजस्थान में ऊँट बहुत सारे लोग जो हैं देखिए क्या होता है ना गाय से क्या प्रॉब्लम है गाय में प्रॉब्लम ये है कि जब गाय जो है वो डिजर्ट हो जाती है यानी कि दूध अब देना बंद कर देती है तो लोग उनको छोड़ देते हैं तो इस कारण से हम लोगों को उनका संरक्षण कर करना पड़ रहा है ऊँट का भी यही होता है ऊँट का भी दूध निकाला जाता है और ऊंट लेफ्ट बहुत सारे हो रहे हैं मतलब लोग छोड़ते जा रहे हैं तो ये गलत है चले अब देखिए स्पेशल ज्यूडी अवार्ड नाइन्थ एडिशन फिक्की वाटर अवार्ड्स फिक्की वाटर अवार्ड दिया गया है कल ये भी पढ़े हम लोग है ना कल ये पढ़े हैं एक बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए पढ़े हैं किस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़े हैं क्या आप रिजर्व रिवर कंजर्वेशन के बारे में पढ़े हैं या फिर आप क्लीन गंगा के बारे में पढ़े हैं या आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़े हैं या अमृत के बारे में पढ़े हैं किस प्रोजेक्ट के बारे में कल आपने पढ़ाई की है दिमाग पे थोड़ा सा जोर याद आ जाएगा हाँ तो कल आपने पढ़ाई की है नेशनल मिशन क्लीन गंगा के बारे में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हर हर गंगे नमामि प्रोजेक्ट बिल्कुल एक्सेलेंट तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि स्पेशल जोड़ी अवार्ड दिया गया है फिक्की के द्वारा सेवेंथ इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव हुआ है और यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को अवार्ड मिला है नेक्स्ट डेफ एक्सपो डेफ एक्सपो होने वाला है 2022 ये कहा होगा क्या ये गांधीनगर में होगा दिल्ली में होगा बेंगलुरु में होगा या लखनऊ में होगा कहाँ पे होने वाला है डिफेंस का एक्सपो इंटरेस्टेड वन कैन गो एंड विजिट एंड सी व्हाट विल हैपन आई एम प्लानिंग यस हाँ नमामी गंगे का हिस्सा है क्लीन गंगा बिल्कुल तो नमामी गंगे में घाट्स भी आ जाता है क्लीन गंगा जो है सिर्फ रिवर का है तो यहाँ पे आप देखिए ये होने वाला है गांधीनगर गुजरात में डेफ एक्सपो 2022, दस से लेकर चौदह मार्च के बीच में होगा यहाँ पे लैंड एयर नेवल इंटरनल होमलैंड सबका यहां पे एक्सपेडिशन लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेट उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर पंद्रह क्वेश्चंस बनाएंगे उसी पे बेस पे जो हम लोग पढ़ेंगे राइट right? हाँ अब आप बताएं कि कौन सा एयरलाइंस है जिसने सेट किया है नहीं तो लास्ट क्वेश्चन अगर आपका गलत है कोई बात नहीं वो अभी हम लोग पढ़े भी नहीं थे तो यहाँ पे आप बताएंगे कि वाटर एयरलाइंस इज सेट टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल अब आप बताएं कि ये पूरा सोलर एविएशन फ्यूल यानी कि जितना भी फ्यूल लगेगा वो सारा सोलर पावर्ड रहेगा ये कौन सा एयरलाइंस है ये आपका है स्विज एयरलाइंस स्विज एयरलाइंस ऐसा एयरलाइन बन गया है जो पूरी तरह से क्या बन गया है हाँ सोलर पावर्ड फ्यूल बन गया है ठीक है स्विज एयरलाइन पूरी तरह से सोलर पावर्ड फ्यूल बन गया है क्लियर है एवरी वन वेरी गुड सन टू लिक्विड फ्यूल सन से सीधे ये लिक्विड चेंज होकर और ये बाद में जाकर क्या हो जाएगा कैरोसिन भी यूज करने लगेगा नाउ द न्यूज़ कवच के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया अब इसको ध्यान से सुने 2000 किलोमीटर का नेटवर्क ये बन रहा है इंडियन रेलवे द्वारा ब्रॉड किया मतलब बनाया गया है इसका नाम है कवच ठीक है ये कवच बनाया गया है और यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कम्युनिकेशन अश्विनी वैभव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी ये मंत्री हैं इन्होंने ये कवच प्रोजेक्ट बनाया है ताकि अगर दो ट्रेन में क्लैश हो तो ऑटोमेटिकली इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा यस yes. नाउ हाँ बिल्कुल तुम हर्षु सही बात है रेगुलर रहोगे ना बहुत इजी हो जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का 23 में 23 सही है जैसे कि साक्षी का एक्सेलेंट साक्षी अभी एक और सेट देना और सही हो जाएगा तो ये आपको समझ में आ गया है कि ट्रेन आएगा दूसरा ट्रेन आएगा ऑटोमेटिकली ये दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा अब ज्यादा तुम लोग ज्यादा इंजीनियर हो हमको पता है तो तुम लोग सिस्टम उस्टम में इंटरेस्टेड हो गए देख लेना नाम है कवच नेक्स्ट पेटीएम ने ऑफर किया है डिजिटल टिकटिंग सर्विस और इसने पार्टनरशिप किया है आईआरसीटीसी के साथ इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है है ना इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है क्लियर है गाइज नाउ दिस इज ए टी वी एम दैट इज ऑटोमेटिक टिकेट मशीन जो कि आप सीधे क्यू कोड स्कैन करके और यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं पेटीएम के जरिए नेक्स्ट तो यहाँ पे यही रेलवे है जो भी है हमको लगता है कि शायद ही कोई भारतीय हो जो कि रेलवे में ट्रैवल नहीं किया हुआ मतलब अब बड़े बड़े लोग हम बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ प्लेन वाले हैं बट आई लाइक ट्रैवलिंग इन ट्रेन नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद तो माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में अब वो आई बी एम बेंगलुरु वाला मत भूल जाना वो साइबर वाला है यहाँ पे डेटा सेंटर बनाया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में और ऑलरेडी डेटा सेंटर है पुणे में है मुंबई में है चेन्नई में है माइक्रोसॉफ्ट का और अब ये लार्जेस्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा ये बनाएगा हैदराबाद में ओके देर आर मोर स्टूडेंट अरविंद को ओए तुमको तेईस पच्चीस कैसे आ गया था इसमें क्वेश्चन तो तेईस थे और रेहान जो है उनको बीस आया है मेरे दो गलत हो गए दिनेश कोई बात नहीं इक्कीस आए हैं दिनेश को तीन गलत हो गए हैं अच्छा कोई नहीं तो यानी कि बीस इक्कीस वाले बच्चे हैं अब आप लोग बन गए कि क्वेश्चन पूछेंगे तो इज लाइक दिस कप 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 ऑफ 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 केक केक नेक्स्ट दोनों चीज बोल दिए टी या फिर पीस ऑफ केक तो आप देखिए यहाँ पे पंद्रह हजार करोड़ कितना कहां से आता है इतना पैसा इन लोग के पास हर एक प्रोजेक्ट में चार सौ करोड़ पांच सौ करोड़ पंद्रह हजार वट एवर तो यहाँ पे डेटा सेंटर बनाया जाएगा ये तो हो गया फिर आप देखिए एयरटेल ने टाइप किया है एक्सिस बैंक के साथ दोनों में ए तो याद रखेंगे ताकि भारत में डिजिटल इकोसिस्टम को और बूस्ट किया जा सके है ना? डिजिटल इकोसिस्टम को और बूस्ट किया जा सके ये एयरटेल ने एक्सिस बैंक अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा पैसा का बात होगा तो उतना मेरे दिल में दम नहीं है कि हम इतना ज्यादा पैसा का बात करें खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें ये एक्सिस बैंक है ये विनीत कुमार को ही है उनका ये कार्ड हम यहाँ पे डाल दिए टेप दिए चले तो नाइन्थ इंडिया श्रीलंका बायलेटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लीनेक्स ये शुरू हो गया है स्लीनेक्स कल हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी बनाया था और यह सात मार्च से लेकर दस मार्च के बीच में चलेगा कहां होगा दैट इज इंपॉर्टेंट ये होगा आपका विशाखापट्टनम में नेक्स्ट यस क्या आ, बोले मुझे एक करोड़ मिल जाए तो मैं अपना सात पुस्त पाल लू एक करोड़ में हो जाएगा अभी महंगाई इतना बढ़ गया है पचास लाख का तो ऐसे पैसा आएगा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा पचास लाख साठ लाख का तो एक फ्लैट ही मिलेगा फिर बाकी का क्या करोगे बैंक में रख के सूद खाओगे बस इसी बात का उम्मीद था हमको तुमसे अब देखो एम एस एम ई मिनिस्ट्री लॉन्च समर्थ अब ये समर्थ क्या है कि स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन फॉर ड्राइव फॉर वुमेन हम सच बताएं कल इतना ओवर वुमेन डे हो गया है ना बोलते हैं ना जो ऐसे ड्रिंक व्रिंक लोग जो करते हैं उनके बाद उनको चढ़ जाता है वैसे ही चढ़ गया मेरा कल वुमेन डे काफ़ी ज्यादा हो गया तो जो भी है ये देख लीजिए एमएसएमई है वुमेन के लिए है इसका नाम है समर्थ हाँ नेक्स्ट तो ये समर्थ होगा एमएसएम ई वुमेन के लिए हाइब्रिड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली हेल्ड इन नैरो केनिया तो यूनाइटेड नेशन ये कहाँ होगा नैरो में होगा जिसकी कैपिटल किसका कैपिटल है केनिया का कैपिटल है बस काफी है इतना काफी है फिफ्थ मीटिंग होगा ये यूनाइटेड नेशन का केनिया में होगा एर आर आई एल आर आई एल भाई अपना क्या है झोला लेके झोला लेके चल देंगे अच्छा पहले पंद्रह लाख तो आ जाए दस साल होने वाला है तुम्हारा जो एक करोड़ वाला बोला है वो उसका क्या प्लान है अच्छा बिजनेस भी ना करेंगे खाली बैठ के खाएंगे आप भी कमाल कर अच्छा बिजनेस भी करोगे तो अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो हमको बिजनेस से बहुत डर लगता है आई एम वेरी दैट टाइप ऑफ पर्सन चिकन एंड पिक समझते हैं स्टॉक मार्केट में जो लोग को बहुत प्रॉफिट होता है वो जैसे वो आप लोग तो देखेंगे हर्षद मेहता वाला तो बुल ऐसे मारता है यानी कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और बियर ऐसे मारता है क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन एक होते हैं लोग चिकन एंड पिग नो रिस्क टेकर्स जिनको लगा कि जितना आया बचा के रख दो उस टाइप के हमें आई डोंट लाइक रिस्क टेकिंग इन इन दिस केस बाकी पढ़ाई लिखाई में ठीक है जहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है है ना तो देखिए आर आई एल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अनाउंस किया है Jio World Center भारत का सबसे बड़ा मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टी फेज डेस्टिनेशन ठीक है तो ये कहाँ है मुंबई में होगा क्लियर है तो ये देखिए बड़ा सुंदर लग रहा है ये एंटीला जैसा ही लग रहा है एकदम बिल्कुल अच्छा नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए एक्चुअली क्या है ना कि देखिए हम ना सारा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं पढ़ा लेते हैं आप जानते ही हैं थोड़ा बहुत टैलेंट तो साइंस मेरा एकेडमिक्स है पर इंटरेस्ट आया आर्ट्स में पर एक जो सेक्टर है ये जो सी ए वाला बुक होता है कॉमर्स वगैरह उससे मेरे को थोड़ा डर लगता है ये में से नहीं हो सकता है बाकी जॉब में भी सारा चीज़ सही है लेकिन ये जो बिजनेस है दिस इज क्वाइट डेंजरस आई थिंक क्योंकि देखिए जॉब करने में क्या फायदा है ना कि आप 10 बजे ऑफिस गए आप 5 बजे ऑफिस से निकले उसके बाद ऑफिस बस बाहर निकले बात खत्म है ना कुछ भी हो जाए क्या मतलब है लेकिन बिजनेस में ऐसा है कि आप एक बजे रात में भी सो रहे हैं कॉल आएगा भैया माल उतारना है ये हो गया वो हो गया फिर आपको दौड़ के जाना पड़ेगा तो एवरी टाइम इट इज इन टेंशन आई थिंक वॉट आई थिंक तो इसलिए पढ़ के सरकारी नौकरी नौकरी ले लो तो ज्यादा अच्छा है नेक्स्ट आप देखें यहां पे डोनेट अप पेंशन इनिशिएटिव डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव अब ये क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान दान योजना ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है डोनेट अ पेंशन इसके अंदर सिटीजन जो हैं वो अपना पेंशन फंड दे सकते हैं इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर या फिर उनके ड्राइवर या हेल्पर हैं तो इतना बड़ा दान ये लोग कर सकते हैं अब ये कर लेंगे तो अच्छा है बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगा तो ये डोनेट अ पेंशन है मिनिस्ट्री याद रखिएगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है कुछ और मत सोचिएगा पचहत्तरवा आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग ये मना रहे हैं चलें काफी आप आज आप लोग बात करने के मूड में देख रहे हैं आनंद भैया लॉस हो गया मैं मना नहीं कर पा रहा पर प्रॉफिट भी होगा ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ओनली लॉस ही हो सही बात सही बात है लॉस नहीं होगा बिल्कुल प्रॉफिट होगा ओके हाँ थोड़ा फास्ट बनते हैं हम लोग और तो इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट हेल्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका इसको याद रखिएगा कहां पे हुआ है और इसके पहले कहां हुआ था दुबई में हुआ था और फिर यूके में हुआ था इस बार बेंगलुरु कर्नाटका में है इंडियन ग्लोबल फोरम समिट नेक्स्ट आप देखें ये कहां हो रहा है बेंगलुरु में हो रहा है ताज वेस्ट एंड बेंगलुरु अच्छा तो ताज होटल में हो रहा है ठीक है नेक्स्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इंट्रोड्यूस किया है डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट आप लोग अभी रुकिए ठीक है पंद्रह क्वेश्चन का अभी टेस्ट होगा इसी से होगा बिल्कुल सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है तो अब ये देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इंट्रोड्यूस किया है डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ पी एस बी पीएसबी जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके लिए इसको प्रोग्राम को बनाया गया पाकिस्तान को फिर से डर नया बात तो है नहीं खैर तो पाकिस्तान को फिर से डाल दिया गया है एफ ए टी एफ के ग्रे लिस्ट में साथ ही साथ यू ए को भी डाल दिया गया है ये तो आप जानते ही हैं तो यहाँ पे हम गलती से यही डाल दिए हैं कोई नहीं तो ये पाकिस्तान है और यू दोनों को एफ ए टी एफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है नेक्स्ट आप जानते हैं कि डी एन पटेल को चेयरमैन बनाया गया है टी डी एस ए टी के ये हम लोग पढ़े भी हैं क्वेश्चन भी बनाया इस पर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पे इनको चेयरमैन बनाया गया है प्रियंका नुटाकी ट्वेंटी थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गई हैं बस 19 साल की ये बच्ची है और ये जो है ट्वेंटी थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं भारत की विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की हैं ओके okay, तो यू कैन सी हाउ सीरियस शी इज पर नेल पेंट भी लगाती है ठीक है तो दैट डजेंट मीन कि सीरियस गर्ल जो है वो नेल पेंट नहीं लगाती है लगा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और ये कहां पे है पुणे में है महाराष्ट्र में क्लियर है 1850 केजी का है ठीक चले और एन एम डी सी रिसीव फर्स्ट प्राइज इन इस्पात राज्य भाषा इस्पात मतलब स्टील तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड ने ये इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड इसको मिला है टी राजा कुमार अब ऑलमोस्ट खत्म ही है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन करते हैं टी राजा कुमार प्रेसिडेंट बन गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तो ये बड़ा न्यूज है ये एक्चुअली सिंगापुर के हैं ज्यादा खुश मत हो जाइए तो ये सिंगापुर के हैं और ये एफ के वर्ल्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंटी टेररिज्म फांसिंग एजेंसी के ये बन गए हैं प्रेसिडेंट सो so, ये हैं टी, टी राजा कुमार सो एवरी वन रेडी ठीक है इंटरनेशनल वेमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है बताओ जल्दी हरी अब थोड़ा चैट रेट देखा जाएगा कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है बिल्कुल क्या हो गया कब होता है सेलिब्रेट नहीं याद है चलिए मैम मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है मेरे पास पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते तो पढ़ के पहले नौकरी ले लो फिर नौकरी के बाद भी क्रिकेट खेल सकते हो पता है ना अगर किसी भी चीज का नौकरी लोगे तो रंजी वगैरह में जो सर्विसेज़ का टीम होता है वो क्या होता है उसमें भी तो क्रिकेटर होते हैं वो लोग जो एक्चुअली जॉब में हैं और उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और उनके मम्मी पापा भी आपके जैसा सोचते हैं तो वो पहले नौकरी लेकर फिर क्रिक खेल रहे हैं चले नेक्स्ट तो ये है आठ मार्च आप जानते हैं कि इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं थीम याद रखना जेंडर इक्वालिटी टुडे तो फॉर अ सस्टेनेबल टमोरो नेक्स्ट क्वेश्चन आर ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया है अब आप बताएंगे कि ये किस दिन से किस दिन तक ये सेलिब्रेट होगा किस दिन से किस दिन तक सात से लेकर ग्यारह बारह से लेकर अठारह उन्नीस से लेकर चौबीस या पच्चीस से लेकर इकतीस मार्च कब सेलिब्रेट होगा आरबीआई का डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है अतुल कुमार पहले इंडस्ट्री में घुसना पड़ता है है ना किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जगह में तो कब होता है ये डिजिटल अवेयरनेस वीक कब सेलिब्रेट होता है तो देखिए ये सात से लेकर ग्यारह मार्च के बीच में ये जागरूकता दिवस सेलिब्रेट होता है सात से ग्यारह मार्च इस बार का थीम है आउटरीच एंड अवेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर रिजन बनाने वाला है तो माइक्रोसॉफ्ट भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर रीजन कहां पर बनाने वाला है क्या ये बेंगलुरु है क्या ये मुंबई है क्या ये कोलकाता है या हैदराबाद में कहाँ पे बनाएगा माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर रिजन ये बनाएगा हैदराबाद में क्या कर रहे हो बेंगलुरु का बोले हम हैदराबाद बोले ना हम बोले कि बेंगलुरु मुंबई पुणे में पहले है बेंगलुरु चेन्नई और मुंबई में पहले से है अब हैदराबाद है नेक्स्ट तो ये आप जान ही गए हैं कि ये हैदराबाद तेलंगाना में है और ये पुणे मुंबई चेन्नई चेन में बेंगलुरु में तो है ही नहीं ठीक है याद रखेंगे इसको नेक्स्ट आप देखें कि भारत का इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसीफिकेशन यूनिट होइंग जेंट कहाँ पे बना है ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया है कल यस yes, कल ही डिस्कस किया है तो ये बताएंगे कि कहाँ पे इसको बनाया गया है गाइस सेशन को एक बार लाइक कर दो यार ठीक है आईबीएम से कंफ्यूज मत हो आईबीएम का वो साइबर सेंटर है और ये डेटा सेंटर है तो ये कहाँ पे है रीगैसीफिकेशन ये है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में ये बनाया गया है टर्मिनल लिक्विड नेचुरल गैस के रीगैसीफिकेशन के लिए भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी इन इंडिया मीट ये कल पढ़े थे हम लोग स्टडी इन इंडिया मीट जो है वो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है भारत ने किस देश के साथ कहाँ पे इनाग्रेट किया है स्टडी इन in इंडिया मीट कोलंबो यानी कि श्रीलंका ढाका यानी कि बांग्लादेश दिल्ली यानी कि भारत थी या बीजिंग चाइना विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ सो ये आंसर क्या है ढाका है ढाका और भारत ने दोनों ने मिलकर ये स्टडी इन इंडिया जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है एक दूसरे को स्टूडेंट ये देंगे लेंगे और यहाँ पे ये मीट हुआ है चले समर्थ समर्थ ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा जहाँ पे प्रमोट किया जाएगा विमेन को स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यह किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा एक्सेलेंट सबको याद है बहुत बढ़िया क्या यह एमएसएमई है आयुष है कल्चर है या जल शक्ति है यह है आपका एमएसएमई एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आएगा समर्थ नेक्स्ट तो यह समर्थ है एमएसएमई मिनिस्ट्री आप जानिए गए टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस टू वुमेन एंड टू ट्रेन मोर नेक्स्ट है कि स्लीनिक्स एक्सरसाइज हो रहा है इन्थ एडिशन हो रहा है आप बताएंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है चेन्नई विशाखापट्टनम पुडुचेरी या कोची कहाँ पे हो रहा है आपका स्लीनेक्स एक्सरसाइज गाइज दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट यू आर कमिंग एंड गोइंग गोइंगट आर यू डूइंग आ रहे हो जा रहे हो आंसर देना इंपॉर्टेंट है इससे कॉन्फिडेंस आएगा यार तो यहाँ पे ये क्या है विशाखापट्टनम है विशाखापट्टनम में, विशाखा में स्लीनेक्स एक्सरसाइज हो रहा है नेक्स्ट हाँ तो ये आपका सात से आठ मार्च ये चलेगा और यहाँ पे कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है आई एन एस किच भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट भारतीय एयरटेल ने किस बैंक के साथ अभी कोलैब किया है ताकि ये भारत में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सके तो भारतीय एयरटेल ने किस बैंक के साथ कोलैब किया है क्या ये बंधन बैंक है इंडसइंड है एक्सिस है या फिर धनलक्ष्मी है तो हमने बोला था कि ए से एयरटेल और ए से एक्सिस याद रखिएगा तो यह है एक्सिस बैंक जिसके साथ भारतीय एयरटेल ने क्लैप किया है ताकि यहां पे क्या हो सके डिजिटल इकोसिस्टम में ग्रो हो सके बाई नाउ पे लेटर ऑफरिंग इस तरह से ये जाए और इनको थोड़ा फायदा हो लोग भी थोड़ा वो बने बनेबिचुअल टू दिस डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तो श्रम से ही आप समझिए होंगे कि किस मंत्रालय के अंदर है प्रधानमंत्री श्रम श्रम योगी मानधन योजना हम देखें थोड़ा अभी कौन स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कौन नहीं दे रहे हैं तो आंसर आ रहा है रोहित का रेहान का रजत जी आंसर दे, दे रहे हैं अरविंद दे रहे हैं आनंद शमा शाहिद रौनक वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट अमर मैक रवि ममता बीवाईसी निहार एक्सलेंट तो आंसर इज लेबर ग्रुप है ना लेबर मिनिस्ट्री जो है इसने अभी शुरू किया है डोनेट अ पेंशन आप जानते ही हैं बिल्कुल जिस तरह से कुछ लोग डोनेट कर देते हैं अपने मालिक को अपने हेल्पर को अपने ड्राइवर को तो उस तरह से ये है नेक्स्ट है देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ने ओपन किया है भारत का सबसे बड़ा बिजनेस कॉमर्स एंड कल्चरल हब ठीक है रिलायंस आर आई एल ने अभी इसको स्टार्ट किया है अब आप बताएं कि ये कहाँ पे होगा तो ये क्या मुंबई में है दिल्ली में है बेंगलुरु में हैदराबाद में तो ये मुंबई में है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का सबसे बड़ा कॉमर्स एंड कल्चरल हब शुरू किया है ये मुंबई में है धीरू भाई अम्बानी स्क्वायर में ये होगा बनेगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स चले नेक्स्ट फिफ्थ एडिशन ऑफ यू एन असेंबली यू एन ई ए वॉज हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्म तो ये कहाँ पे होगा क्या ये हेलेंस, हेलसिंकी में होगा फिनलैंड बर्लिन लिस्बन ये लग रहा है मनिहा इसके कैरेक्टर हैं हां तो ये बताएं कि आप ये कहां पे होने वाला है चलें बढ़िया ये कहां पे होगा ये होगा नैरोबी केनिया में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए अभी हमको बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि सारे स्टूडेंट कितना अच्छा से आंसर दे रहे हैं मतलब आपको टफ क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के काफी हम टाइप आंसर दे रहे हैं आप लोग वेरी गुड 2022 मुंबई मुंबई बोल रहे हैं मोबाइल है ना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एमडब्ल्यू सी ये कहाँ पे होने वाला है क्या ये डेनमार्क लंडन बार्सिलोना न्यू दिल्ली कहाँ पर होगा ये पढ़ें ऐसे मत करना कि नहीं पढ़े है? देखो ऐसा नहीं होता है ठीक है कम से कम तीन दिन रेगुलर होना पड़ता है हो सकता है कि अभी ज्यादा से ज्यादा आंसर दे दोगे एक दो छूटेगा लेकिन एक दो भी नहीं छोड़ना है एक दो नहीं छोड़ने के लिए जैसे जो स्टूडेंट फ्राइडे को देखा होगा मंडे को देखा होगा ट्यूजडे तो आज वो वेंसडे को बहुत ईजिली आंसर दे, दे देगा सारा ठीक है तो ये बार्सिलोना स्पेन है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो डिस्कशन ही नहीं हुआ है ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बार्सिलोना स्पेन तो ये हो गया 5G जी एडोप्शन के लिए है ये मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन पढ़े हैं इसको भी हम लोग ठीक है एसो चैम एवॉर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सेलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट तो ये किसको मिला है क्या ये एनपीसीआई डेटा को मिला है नेट फॉर इंडिया कंट्रोल एस या एन डेटा यस वेरी गुड आंसर बताओ एसोचैम अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट किसको मिला है याद है डो यू रिम्बर दस आंसर गाइज तो ये कौन सा है कंट्रोल एस प्रोग्राम कंट्रोल एस को मिल गया है ये एसोस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कंट्रोल एस डेटा सेंटर कंपनी ये हैदराबाद तेलंगाना में है इसको ये अवॉर्ड मिला है अपने एक्सलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल वेरी गुड यस गाइस देखिए बेसिकली बात तो यही है जो अमित है सही बात कह रहे हैं कि मैम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में क्या होता है आप लो, बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं ऐसो चैम्प भी क्या है बहुत सारे बिजनेस का चैम्बर है एसोसिएशन ऑफ चैम्बर है है ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है तो ये देखिए डीएन डीएन पटेल जो हैं ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में ये चेयरमैन बन गए चेयरपर्सन बन गए हैं है ना और ये कहाँ से हैं? ये गुजरात से हैं। नेक्स्ट आप देखें दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड यू विल टेल मी योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन तो भारत विच स्टेट हैज बिकम नाइन्थ स्टेट टू विदड्रॉन कंसेंट टू सीबीआई तो ये सीबीआई को मना कर देना कि आप नहीं आ सकते बिना परमिशन के ऐसा हम लोगों के देश में आठ स्टेट्स ने किया है अब ये नोवा स्टेट जो है ये मेघालय बन गया है मेघालय ने विड्रॉ कर दिया है कि ये देखिए ये याद रखिएगा सी बी आई डेली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से बना है जो भी एक्ट से बनता है यानी कि पार्लियामेंट उसको पास करता है उसको स्टेचूट्री बॉडी कहते हैं बाद में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है क्लियर है तो मेघालय ने कहा है कि विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ये नहीं जा सकते हैं सो दिस वॉज द सेशन गाइस आप जानते हैं कि सी का बहुत एकदम मतलब ताबड़ तोड़ जिसको कहते हैं है ना आउट ऑफ द बॉक्स कोर्स ये आ चुका है टारगेट सी और इसमें 110 परसेंट आपको गारंटी सक्सेस मिलने वाला है तो आप जल्दी से जाएं अड्डा ऐप इंस्टॉल करें और आप स्टोर में जाकर वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज़ करेंगे वाई थ्री थ्री टू कोड यूज़ करेंगे और सी आई एस एफ में इनरोल हो जाएंगे साथ ही साथ आप अगर एस एस बी में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे कर्नल सिरोही सर जो है आपको एस एस बी के बारे में बताते हैं यहाँ पे भी कोड आपको वाई तीन सौ बत्तीस ही यूज़ करना है यहाँ पे भी सी डी एस के लिए या फिर ओ टी ए के लिए और आप लोग अपना स्कोर बता रहे हैं कैन सी एवरी वन सबको स्कोर बताना है और अगर आपको सारे कोर्सेज एक जगह चाहिए कि मैम कोई ऐसा पैक बताओ जिसमें सब आ जाए सी डी भी आ जाए एफ कैट भी आ जाए एन भी आ जाए सी भी आ जाए है ना सी ए पी एफ बी एस एफ जितने भी हैं तो दैट इज दिस इज योर कोर्स महापैक महापैक में आपको टेस्ट सीरीज तक मिलेगा सो यू गो ऑन द ऐप और जल्दी से आप इसको परचेज कर लें सिमिलरली वी आर हैविंग कोर्सेज फॉर इंजीनियरिंग अगर आपको जनरल इंजीनियरिंग भी लेना है यानी कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो इसके लिए भी बैचेस हैं हमारे पास है ना जनरल इंजीनियरिंग के लिए बाकी जेई ए .E. के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके बैचेज है यहां पर आप देख सकते हैं एच एल का फ्लाई बैच ये चल रहा है आज चार बजे इसका क्लास भी है और अभी दस बजे आपका एनडीए का क्लास है बारह बजे सी का है तो डोंट मिस और यहाँ पे आपको सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग का महापैक मिलेगा मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल का हर एक कोर्स का महापैक भी मिलेगा महापैक में ये फायदा है कि जैसे किसी ने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो जितने भी हाँ बिल्कुल इसके लिए भी चलेगा अतुल जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सिमिलरली आपको जितने भी एग्जाम्स एम से रिलेटेड है सब एक जगह मिल जाएंगे ट्रिपल ई ई या डबल ई जो आप बोलें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एग्जाम भी आपको एक ही जगह महापैक में मिल जाएंगे कोड आपको यूज करना है Y332, तीन right? इससे आपको क्या फायदा होगा इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा द डिस्काउंट ऑफ 78% परसेंट अगर आप ऐप से इसको, इसको इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं अगर आप वेबसाइट से करते हैं तो आपको सेवेंटी का डिस्काउंट मिलेगा क्लियर सो so, आप ऐप इंस्टॉल कर चैनल को सब्सक्राइब कर और करंट अफेयर्स को बहुत इजी बनाने के लिए अब तो हमारे पास वो है क्रैक है इसका कि बहुत इजी कैसे बन सकता है तो उसके लिए रोज आठ बजे का मतलब कि आठ बजे ही आइए आठ से नौ बजे के बीच में आप आए और एक घंटे में गारंटीड करंट अफेयर्स बहुत ईजी हो जाएगा मतलब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे इतना तो पढ़े क्या होता है ना कि देखो पढ़ना तो एक बार खुद पढ़ता ही है लेकिन अगर आपने उसको सुन लिया है तो आपका इंटरेस्ट जग जाएगा जैसे इस स्लिनिक्स एक्सरसाइज है नाइन्थ एडिशन है श्रीलंका इंडिया के बीच में है विशाखापट्टनम में हो रहा है तो आपको वो मिल गया कि आपको एक छोड़ मिल गया जिससे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा तो दैट इज अ थिंग है ना फिर धीरे धीरे पढ़ने में मजा आने लगता है इसी तरह मजा आता है और बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल आपको बहुत फायदा होगा उससे तो ऑल द वेरी बेस्ट मिलते हैं कल सुबह आठ बजे ऑन द करंट अफेयर सेशन थैंक यू